अपना काम कर रहा। अरे आप लोग आ गए, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक मेरे घर पर। गाइस मैं आज क्या कर रहा था यार, अरे आप लोग भी आ गए, मेरे को बहुत ज्यादा खुश है भाई, मला माल। तो गाइस मैं तुम लोग को ये बोल रहा था कि मेरे पास गाय है, पिगी है, शीप है, और आगे देखेंगे तो आगे बहुत सारे डेढ़ भर के चिकन भी हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है मेरे पास, तुम बता सकते हो क्या क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है? हाँ भाई हाँ, वही नहीं है मेरे पास। तो गाइस देखो, मैंने मेरा फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे से कुछ घर जैसा कुछ बना के रख दिया है, एंड ऑलरेडी मैंने दो कॉर्ड तो बना दिया है। अब मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब मुझे बहुत जल्दी से जल्दी फार्मर्स को लेके आना होगा, बिकॉज यार मैं अकेलापन में बहुत बोर हो चुका हूँ। मेरे पास राजू है, पिंगू है, पिल्लू है, लेकिन लेकिन मेरे जैसा कोई इंसान नहीं है जो मेरे साथ इस कस्बे में रहता है। तो मैंने सोचा कि यार आज ना एक फार्मर को एक फार्मर का अपन इनवाइट करके अपने कस्बे में रहने के लिए उसको मनाएंगे। अगर वो मान गया तो उसको कैसे भी करके लेके आएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो फार्मर कहाँ मिलेगा? आप लोग को सबको तो पता है कि फार्मर विलेज में मिलता है, लेकिन कौन सा विलेज में जाने का है, ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब मैं कैसे दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे विलेजेस तो देखे हैं मतलब। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ यार डेजर्ट में जो विलेज है ना, वो विलेज में लेके आ जाऊँ, लेकिन थोड़ा दूर है ना। एंड बात यह है कि मुझे वही विलेज कहाँ पर है करके मुझे पता है, तो मैं पहले वो विलेज में जाऊँगा। अगर वहाँ पे कोई विलेज मेरे बात मान गया तो उसको फटाफट लेके आ जाऊँगा भाई मेरे घर पे। तो चलो शुरू करते हैं, नहीं चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस बात यह है कि अपने को विलेजेस को अपने इधर लेके आने का है, तो विलेजेस तो रस्सी से बांध के लेके आने वाली चीज़ नहीं है, वो लोग तो गाड़ी में बैठ के आएंगे, तो उनके लिए गाड़ी मेरे पास है नहीं खाली एक बोट के अलावा। तो मैंने सोचा कि यार एक बोट बना लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है, तो ये बोट को मैं लेके जाऊँगा और विलेजेस को लेके आऊँगा। तो पहले हम लोग को डेजर्ट तक ट्रैवल करना होगा, तो फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली जाने वाला हूँ मैं विलेजेस का जो डेजर्ट एरिया वाला विलेजेस का एरिया पे विलेज पे, एंड वहाँ पे जाके उससे अपन बात करके देखते हैं, थोड़ा कुछ मामला पानी दिखाते हैं उसको और बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसा मैटर है, क्या तुम मेरे गाँव तक आ सकते हैं? तो अगर वो मान गया तो यार उसको फटाक से छीन के मतलब छीन के नहीं स्मगलिंग उसको फटाक से लेके आ जाएंगे गाइस। बस उतना ही, आई स्टिल रिमेम्बर कि वो विलेजेस कहाँ रहते हैं, बिकॉज मैं लगभग वहाँ पे दो तीन बार गया था ट्रेशर के चक्कर में, लेकिन ट्रेशर के अलावा मुझे मौत ही मौत मिला उधर तीन चार बार। तो अभी तक मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे कोई कतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास घूम सकते हैं। तो ये देखो गाइस, अगर आप लोगों को पता है कि ये जो जगह है, ये जगह में क्या है, मतलब ये जगह है होता क्या है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड हुआ तो यार चैनल पे नया है तो ठीक है, तो हम लोग को और थोड़ा आगे ट्रैवल करना पड़ेगा। आई होप कि मुझे पता है यार विलेजेस कहाँ रहते हैं, बिकॉज पता है यार, पता है और क्या बोला अभी, पता है मुझे। अरे मिल गया यार विलेज। तो गाइस मैं कभी ये विलेज भूलूंगा नहीं, जस्ट बिकॉज ये विलेज ने मुझे बहुत सारे ट्रेजर दिया, मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज मिला है। वो क्या है पता, क्या वो है? सैंडल, और कुछ नहीं भाई। मैं एक्चुअली बहुत दिन से मुझे एक घोड़ा खिलाने का था इस गेम पे, बहुत दिन से, लेकिन मैं जब भी घोड़ा में बैठ जाता हूँ साला हिलता नहीं है जगह से। एंड मैंने जब रिसर्च किया, बहुत बहुत ज़्यादा ही रिसर्च किया, लाइक 200 साल रिसर्च किया था मैंने उसके लिए, तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा माइनक्राफ्ट में घोड़ा चलाने के लिए घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन घोड़े के ऊपर का सैडल मांगता अपन को। तो गाइस हम लोग आ गए हैं विलेज पे, तुम लोग देख सकते हो कि ये विलेज कितना शांत है, सुनसान है, एंड यहाँ पे शायद से अपने को फ्रेंडली विलेजेस मिल जाएंगे, आई थिंक सो। वहाँ पे ऑलरेडी दो तीन बंदे घूम रहे हैं, क्या मैं उनसे बात करके उनको मैं छीन के लेके जा सकता हूँ? मुझे एक देखो, अरे अपने घर पे मैंने दो गोलो बना के रखा था भाई, अरे दोनों गोलो गायब हो गए, क्या मेरे घर से बाहर निकल के भाग गए? भाई यार ये गोलू को किसी घर के अंदर संभाल के रख सकता यार कोई, किसी को पता है? अगर पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। यार ये कहीं मेरा गोलू तो नहीं? नहीं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, इसके आगे पीछे पूरा लाल लाल है, कहीं बहुत मार खाया लगता तू। तो गाइस मुझे काली पीली वाले मतलब एकदम फुकट के जो खड़ा रहते ना वैसे विलेजर चाहिए। कि इसके अंदर कोई विलेजर है क्या? मेरे घास में चाहिए क्या, इधर कोई गिर गया क्या? अरे ये रहा, अगर मैं चलो मैं एकदम रेडी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक विलेज दिख, अरे भाई अंदर मत जा यार, मैं मेरा बोट लेके अंदर तक नहीं आ सकता, थोड़ा बाहर आ जा, तेरे से बात करना है, मुझे डीलिंग वीलिंग करना है, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर, अरे रुक जा भाई प्लीज, इतना दूर तेरे से मिलने के लिए आया तो ऐसा करेगा? तू फार्मर है कि कौन है? तू फिशरमैन है क्या? रुक 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 रुक, हट भाई, उठ भाई, उठ उठ उठ, हाँ उठ, हाँ ये देख, ये कोरोना खत्म कब होगा रे बाबा।
सुनना मेरी बात, कहाँ खिड़की क्या देख रहे, इधर देखना। अरे कहाँ गायब हो गया, पर अरे हरामी हो। तो गाइस आई थिंक सो कि रात हो गया है, सब लोग सो रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी एक बार मैं सो जाता हूँ। द नेक्स्ट डे, ये देख मैंने यहाँ पे मेरा बोट रख दिया, ठीक है। अब बात यह है कि अगर तू मेरे साथ आएगा, अरे रुक धक्का मत मार, मेरी बात सुन, मेरी बात, अरे भाई मेरा अंदर, भाई ये तो ऑलरेडी बैठ गया भाई। मैं जैसे पूछने वाला था कि मैं तू मेरा गांव आने की लड़ी है, लेकिन यार लगता है यहाँ पे इसको बहुत सारे टॉर्चर मिल गया है एंड ऑलरेडी ये इस गांव से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यार आप मेरा पहला पहला गेस्ट है मेरे घर पे, आप जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, लेकिन आपके नाक पे जो साबुन है उसे आप नीचे गिरा के आ सकते हैं, प्लीज। नहीं चल, और एक बात है, मैं पूछने से पहले तू मेरा गाड़ी में आके बैठने की वजह से मैं तुझे मेरा कैरेट दूंगा, मतलब तो मेरा कैरेट नहीं, मेरा घर पे जो उगता है वो कैरेट तुझे खाने के लिए दूंगा। एंड और एक बात यह है कि तू टेंशन मत ले भाई, तू सिंगल नहीं है, तेरे को मैं सेटिंग कराता हूँ ना भाई, कोई पसंद है तो यहाँ पे किसी को पसंद करता है तो बोल दे भाई, वो सब मत देगा, वो सब मत देगा, अपने को वो सब नहीं देखना, वो अपने को नहीं देखना भाई, वो थोड़ा रिस्की मैटर है, ठीक है, ठीक है, टेंशन मत हो भाई, तो तेरा सेटिंग मैं कराता हूँ भाई। A few moments later. भाई बहुत दूर ट्रैवल करना भाई इसको लेके, बीच में उतर मत जा भाई साले, बहुत दूर आया तेरे लिए। बस मैं इतना ही सोच रहा हूँ यार कि मैं बोट लेके पहाड़ वहाड़ चढ़ सकता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये गांव पहुँचने के लिए मैं 2-3 बार पहाड़ से चढ़ के आया है। क्या भाई विलेजर सब सही चल रहा है ना? तो गाइस मैंने कैसे भी करके इस विलेजर को मना लिया, मनाया तो बिल्कुल नहीं भाई, ये कूदा कि मेरा गाड़ी में बैठ गया, शायद से वो गांव वाले इसको बहुत परेशान किए होंगे इसकी वजह से, ये शायद फटाक से आके मेरे गाड़ी में बैठ गया बिना डील का। A few inches later. ओ भाई मैं नहीं चढ़ सकता, अरे यार विलेजर भाई प्लीज कम विद मी, कम विद मी, यहाँ पे आ भाई, यहाँ पे प्लीज, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर इधर इधर। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ये विलेजर को लेके जाने के लिए मुझे कुछ अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज मेरे सामने बहुत ही बड़ा, अरे बैठ भाई प्लीज कम सिट, अरे तू जा रही, ओ भाई मत जा, अबे साले मत मत मत, रुक 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 रुक, बैठ 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 बैठ, अरे आधे रास्ते में मत निकल भाई प्लीज, बैठ इधर, हाँ बस भाई इसको लेके जाने तक तो मेरे जान निकलने वाला है यार। लगता है यार इसको घर लेके जाते जाते मैं मेरा घर का रास्ता भूल जाऊंगा साला। अच्छा मैं मेरा साथ में मेरा कॉम्पस लेके आया, बहुत टाइम लगने वाला है भाई, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, चढ़ जा भाई चढ़ जा, वही चढ़ 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 चढ़, हाँ वही चढ़ प्लीज, चढ़ भाई प्लीज चढ़ चढ़, आजा आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ आजा, इसको पोटेटो खिला सकता हूँ प्लीज, कम हियर प्लीज, अरे मेरे पोटेटो आजा भाई प्लीज, कम प्लीज कम भाई, इधर इधर आ भाई इधर, ये ले प्लीज भाई प्लीज यार, अरे यार ये, अरे मेरी बात सुन भाई, नीचे मत जा यार, ऊपर आ जा, इधर आ इधर आ, हाँ इधर इधर इधर, अब इधर अब इधर, अबे लो ले इधर 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 इधर, हाँ इधर 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 आ, इधर आ, अबे इधर आ भाई लिटरली, ये मेरी बात सुन, ओए किधर जा रहे हैं, रुक भाई वापस उतर और एक स्टेप चल, इधर आ, अबे इधर 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 आ इधर, एक स्टेप चल, एक स्टेप चल, एक स्टेप चल, ज्यादा नहीं एक स्टेप चल, लोल हाँ उधर ही, उधर ही जा, उधर ही जा, उधर ही जा, उधर ही जा, देखो भगाऊंगा भाई, उधर जा उधर जा उधर जा, कैसा लगा मेरा मजाक, अरे उधर जाना, अबे उधर उधर, अबे यार अरे कैसा यार, जाना उधर जा प्लीज यार प्लीज प्लीज, उधर जा उधर जा, मेरी बात सुन, उधर जा उधर जा उधर जा, मैंने बहुत बड़ा गलती किया भाई, ये डेजर्ट प्लेस में आके ऐसा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, बट भाई उधर जा यार प्लीज, मेरी बात सुन यार प्लीज, जा भाई, अरे जाना यार, गाइस सच्ची बता रहा हूँ अगर इस बार ये पहाड़ नहीं चढ़ा ना, आजा इधर 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 इधर, यार क्या हो गया, क्या करो इसको, इसका क्या करो भाई, मैं ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, मुझे अभी समझ रहा है कि विलेजर्स इसको अकेला क्यों छोड़ दिए थे भाई, ये किसी का बात नहीं सुनता है बंटा। One eternity later. भाई literally यार मैं इधर ही इसको मतलब घुमा रहा हूँ यार, साले तेरे से 10 रुपए तक कम से कम मेरे को लेना पड़ेगा, तेरे को फ्री में राइड दे रहा हूँ मैं तब से, भाई रात हो गया तो कंकाल आ जाएंगे फिर एल लग जाएंगे भाई, हो गया भाई रात हो गया तो निकल जाए, काम कर तो निकल, अगली बार से आना नहीं इधर, मेरे पास अगर तो आएगा तेरा नाक का जो साबुन है उसे निकाल के मैं बाहर फेंक दूंगा, पहले बोल रहा हूँ तेरे को, ये तो उसके घर पे जाके सो गया,
ये भाई मैं सोता चल हट, एक तो मैं तो धक्का मार के इतना दूर लेके गया और तू सोएगा, तू कैसे थका भाई, मैं थका ना, चल अगली बार से मिलना नहीं मुझे, समझा ना, तेरा नाक का साबुन काट दूंगा मैं। यहाँ पे जो एक फार्म है यार, यहाँ पे कोई फार्मेसी नहीं है, मतलब जब पहली बार मैं यहाँ पे आया था लाइक एपिसोड 2 पे जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स नंगा नाच रहे थे, लिटरली नंगा नाच रहे थे, तुम लोग एपिसोड जाके चेक कर सकते हैं, वो फार्मर सब लोग नंगा नाच रहे थे भाई, मैंने देखे उनको सबको, एंड आई थिंक सो कि वो लोग शर्मा के भाग गए गाँव छोड़ के, मुझे ऐसे ही लग रहा है भाई, ये गाँव में भी कोई नहीं है, आई हैव प्रूफ, यहाँ पे सब लोग नंगा नाच रहे थे, कुछ तो पार्टी चालू था उनका, वो लोग उसके अगले दिन जब मैं आके इधर आके देखा तो कोई भी नहीं है, कोई भी इस घर पे भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है ऐसे ही, तो यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। तो मित्रों आज तुम लोगों ने देखा हम लोग गए थे फार्मर को ढूंढने, लेकिन फार्मर नहीं आया, फार्मर ने आने से मना कर दिया, मुझे लग रहा है यार कि मैं गलत फार्म चूज कर लिया, गलत विलेज चूज कर लिया मैं फार्मर को चुनने के लिए, अगली बार ऐसे गलती नहीं होगी, अगला एपिसोड में मैं जरूर फार्मर को पकड़ के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है और मेरा वादा ही, यार वो डायलॉग कंप्लीट नहीं करने आता है मुझे, और मेरा वादा ही कुछ तो है भाई, बाहुबली का डायलॉग है, तुम लोगों को पता है कि जाके एक बार और एक बार बाहुबली देख लो। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।